चलिए क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं, ठीक है? आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से पढ़िएगा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 110 तक कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है? ऑडियो क्लियर है ना? हेलो, ओके, ठीक। क्वेश्चन ने बोला है कॉट 70, ठीक है, एंड ब्रैकेट में दिया हुआ कॉट 73, कॉट कॉस स्क्वायर 72, थोड़ा सा छोटा है, बड़ा कर देते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। कॉट 73 एंड कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस में दिया हुआ 1/cot 70 एंड sec² 68। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, सिंपली हम कॉट 70 का अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है सॉल्यूशन आ जाएगा, मतलब जो भी आंसर आना होगा वो सिंपल वे में आ सकता है। क्वेश्चन को लगा देते हैं छोटे नीचे। चलिए कॉट 17 ब्रैकेट में दिया हुआ हमें कॉट 73, ठीक है, कॉट 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 22, कॉस स्क्वायर 22 डिग्री है, ओके। एंड प्लस में दिया हुआ 1/ प्लस में 1/ दे रखा है कॉट 17 डिग्री, कॉट 17 डिग्री एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई में दे रखा है sec² 68, sec² 68 डिग्री, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ बिल्कुल सिंपल सीधा साधा, एक बार वेरीफाई कर लीजिए। कॉट 17, कॉट 73, ओके, कॉस स्क्वायर 22, ओके, प्लस में दिया हुआ 1/cot 17 एंड sec² 68, ठीक है, ये स्क्वायर लिखा हुआ है, ये हो गया क्वेश्चन, ओके। अब हमें क्या करना है, कॉट 17 का इसमें मल्टीप्लाई, अंदर मल्टीप्लाई एंड यहाँ से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के बोथ साइड में होगा, तो जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई ये हट जाएगा, ये हो गया मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉट 17 डिग्री हो जाएगा। सिंपल, कॉट 17 से कॉट 17 ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। एंड यहाँ से अगर हम देखेंगे कॉट 17 और कॉट 73, ये दोनों का सम जो है, 17 और 73 का सम कितना होता है, 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री होता है तो ये 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पे बचा हमारे पास कॉस स्क्वायर 22 डिग्री एंड यहाँ पे बचा प्लस में 1/sec² 68 डिग्री। अच्छा 68 को हम क्या लिख सकते भाई, सेक को कॉस में चेंज कर लें, तो ऊपर देखेंगे तो कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस में हो जाएगा, ये ऊपर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर 68 डिग्री, और इन दोनों का सम अगर 90 है, इन दोनों का सम अगर हम देखेंगे 8 9 10 11 6 3 9, इन दोनों का सम 90 डिग्री तो इक्वल टू 1 के बराबर होगा। तो इसमें कुछ करना नहीं था, ठीक है, ये सीधे सीधे ब्रेन से आप कर सकते हो, थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर ब्रेन है तो, ओके। चलिए बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन था, 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। चलते क्वेश्चन नंबर 112 की हो, मतलब ए 112 मतलब 112, ओके। चलिएगा भाई, ओके, क्वेश्चन नंबर 112 पढ़िए ध्यान से, ध्यान से पढ़िएगा भाई, बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 112 क्या बोल रहे हैं, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू हमें दिया 17/13, ओके, 0 से बड़ा, ओके, एंड 90 से छोटा, तो हमसे पूछा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बिल्कुल सिंपल है, तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब भी कभी आपके सामने ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, बी कॉस थीटा इज इक्वल टू हमें दे रखा है मान लो सी, एंड तो हमसे अगर हमसे इस केस में पूछा जाए माइनस का, जैसे कि हमसे पूछ ले ए साइन थीटा ही ले लो, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा माइनस के साइन में, ठीक है, क्या पूछा जाए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जैसे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दे रखा है 17/13, और हमसे पूछा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूछा हुआ है, ठीक है, तो वही चीज़ है, जब
ए और बी कोफिशियंट यहाँ पर है, सी हमें दे रखा है, तो उस केस में इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी भाई, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के बराबर। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है, क्या चीज़, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग करेंगे एंड इसके बाद आंसर आ जाएगा। ओके चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ पर इसी में चेंज कर रहा हूँ, ए साइन थीटा, यहाँ पर ए की जगह पर कुछ नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, अगर हम देखें यहाँ पर तो हमें दिया हुआ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमें दिया हुआ 17/13, और हमसे पूछ लिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर, इसके बगल में वन चिपका दो कोफिशियंट, तो वन का स्क्वायर वन ही रहने वाला है, प्लस वन का स्क्वायर वन ही रहने वाला, माइनस 17/13। अच्छा ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इनका क्या है, स्क्वायर है, तो इनका स्क्वायर तो करना पड़ेगा भाई, तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा भाई, 2 प्लस 1 और 1 2, 17 का 289 एंड 13 का 169, 169 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 289 प्लस करना पड़ेगा, एंड उसके बाद सॉल्व जब हम करेंगे तो नीचे तो 169 ही आने वाला है, अगर ऑप्शन में देख लो नीचे 169 रूट से बाहर आएगा तो नीचे तो 13 आने वाला है, बाकी ऊपर देख लीजिए, अगर एक ऑप्शन में 13 है इसमें, तो इन दोनों में से तो कोई है नहीं है, क्योंकि 17 है नीचे, एक में 19 है, एक में 10 है, एक में 13, तो 7/13 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7/13, जब ऑप्शन दिए तो ऑप्शन की भी हेल्प ले लो थोड़ी बहुत। ठीक है, बाकी आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो, देने से प्लस करोगे उसके बाद में आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो 13/7/13 आ जाएगी। ठीक है, नोट कीजिएगा, ये माइनस है यहाँ पे, तभी तो हम सोच रहे हैं कि ये बड़ी वैल्यू हो जाएगी तो 7 कहाँ से आएगा। ओके नोट कीजिएगा, चलिए चलते हो क्वेश्चन नंबर 113 की ओर। 113 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, ये भी वही है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमें दे रखा, पूछा हुआ है, इसमें कुछ दिया नहीं है, सिर्फ 0 डिग्री से बड़ा है थीटा एंड 90 डिग्री से छोटा है, तो इसके बीच में कौन कौन सी डिग्री आती है भाई, कोई भी थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी रख लो, थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 0 डिग्री और 90 डिग्री को छोड़कर कुछ भी रख लो, उसके बाद बची कितनी, 30 बची, 45 बची एंड देन 60 बची, तो इनमें से कोई भी जो प्यारी सी लगी है ना डिग्री जो आपको आती हो वो चिपका दो। ठीक है, और चेक कर लीजिए कितना आता है, एक से अधिक आता है, एक से कम आता है, एक से ज़्यादा आता है, जैसा आता है वैसे चिपका दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे, 113 में दिया हुआ है कि 0 से बड़ा होना चाहिए थीटा, ठीक है, और 90 डिग्री से, 90 डिग्री मैक्सिमम होना चाहिए ना, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए थीटा। हमसे पूछा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा, अच्छा थीटा का मान आप कितना भी ले लो, 45 डिग्री में ले लेता हूँ, साइन 45 डिग्री हमसे पूछा, प्लस में दिया हुआ है कितना, कॉस थीटा, कॉस 45 डिग्री, यही तो पूछा है, तो साइन 45 कितना होता है भाई, 1/√2 प्लस 1/√2, एलसीएम कितना, √2, ऊपर कितना, 2 कॉन्जुगेंट का मल्टीप्लाई, √2/√2, नीचे 2 से 2 कट गया, बचा कितना, √2, एंड √2 की वैल्यू जो होती है 1.4 के लगभग होती है, 1.4, तो कहीं ना कहीं एक से अधिक है, तो ऑप्शन में हमें जो दे रखे हैं एक के बराबर नहीं हो सकती, एक से कम नहीं हो सकती, एक से अधिक हाँ बिल्कुल हो सकती है, तो हम जो यहाँ पर जो आंसर बोलेंगे एक से अधिक बोलेंगे। ओके चलिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, नोट कीजिएगा, जरूरी नहीं आप 45 रखो, आप 30 रख लीजिए, आप चाहे तो 60 रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि 90 से छोटी एंड उसके बाद 0 से बड़ी होनी चाहिए, बस इन तीनों में से कोई भी वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो भी आपका आंसर यही आने वाला है, कुछ चेंज नहीं होने वाला। 113 के बाद चलते हैं 114 की ओर। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, ठीक है, क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तब भी समझ में आने वाला है। ओके ओके पढ़िए,
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो वन ही हो गया ना, प्लस में सेक स्क्वायर थीटा कोसेक, सेक कोसेक प्लस पी टू ब्रैकेट में भी। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे, 114 में क्या बोला गया ध्यान से पढ़िएगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा एंड देन प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ओके प्लस में सेक स्क्वायर थीटा एंड प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा एंड देन प्लस में हमें दे रखा है टेन स्क्वायर थीटा, प्लस में दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा, क्या दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमें दे रखा है और इसका मान हमसे पूछ लेगा। लेकिन हमें वैल्यू पता होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा सबको पता है वन होता है, लेकिन याद रहे सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो बराबर होता है वो होता है हमारा किसके बराबर, इसे अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर यहाँ पर कोफिशियंट वन होता तो मैं इसे लिख सकता था कि ए मान लो इसका कोफिशियंट ए है इसका कोफिशियंट बी है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी, ठीक है, एंड प्लस में टू रूट के अंदर ए बी, और इसे हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को, ये किसके बराबर, ए और बी होता तो यहाँ पे टू रूट ए बी किसके बराबर लिख सकते थे, टू रूट ए बी होता है इनका, जो कि मिनिमम वैल्यू होती है। हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, न्यूनतम वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अगर हमसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन देकर, अगर डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन में ये वैल्यू दे रखी है सेक और कोसेक, तो हमसे पूछा जाए न्यूनतम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो ए प्लस बी प्लस में टू रूट के अंदर ए बी, एंड यहाँ पर टेन कॉट देकर पूछे तो टू रूट के अंदर ए बी, काफ़ी सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ओके। यहाँ पर लेकिन सेक की वैल्यू भी वन है, मतलब ए का मान वन है एंड बी का मान भी वन है, यहाँ पर भी ए और बी वन ही वन है, चलो तो कैलकुलेट कर लेते हैं, ये वन हो गया प्लस यहाँ पर ए वन है, वन प्लस टू रूट ए बी, ए बी का मतलब वन इंटू वन, तो रूट के अंदर देखो चाहो तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ वन और वन, चाहे डिटेल में लिख दो, वन प्लस टू रूट के अंदर वन मल्टीप्लाई वन, ठीक है, प्लस इसकी कहानी क्या है, टू रूट के अंदर वन मल्टीप्लाई वन, क्या वन का भी अंदर रुका है, नहीं, तो देखो भाई एक दो तीन, तीन तो ये हो गए, ठीक है, ये कितना हो गया दो एक कम दो ही हो गया, ये दो एक कम दो, क्योंकि भाई ये रूट से डरना नहीं, रूट एक जो है वो एक के बराबर ही रहने वाला है, रूट वन इक्वल टू वन ही है भाई, ये बाहर आ जाता है, ये जादूगर है, ठीक है। तो यहाँ पे दो हो गया प्लस में ये दो हो गया, दो दो चार और तीन सात, जो आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा कितना, सेवन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, नोट कीजिएगा, ठीक है। और ये पॉइंट याद रखिएगा, ये इन्हें हाईलाइटेड कर लीजिएगा, ठीक है, ये जो है मिनिमम वैल्यू जब हमसे पूछी जाती है तो उस केस में हमें जरूरत पड़ती है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, नोट कीजिएगा, ओके फटाफट से नोट कीजिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं ना, ओके। संख्यात्मक मान पूछा है, इसमें आप थीटा की वैल्यू पुट कर लोगे तो देखो यहां पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 150 ये हो गया नोट, ओके चलिए 115 देखिएगा, 115 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 150 115, ठीक है, चलिए 5 बाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जब भी कभी इस टाइप से संख्यात्मक मान मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू आपसे पूछी जाए, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आपसे जब भी कभी पूछी जाए तो उस केस में आप थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है,
और ऐसी पुट कर दो मेरी तरफ से, आप जो है 45 डिग्री पुट कर दो, समझ रहे हो। जब भी कभी संख्यात्मक मान मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी जाए और आपके पास ऑप्शंस के अंदर भी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 0 इस टाइप से वैल्यू दे रखी है, तो उस केस में आपको क्या करना है, थीटा की वैल्यू पुट करनी है। ओके, तो हम यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू, मान लो थीटा 45 से अच्छा लगता है सबसे, क्योंकि आसान भी होता है एंड ईजी कैलकुलेशन भी हो जाती है। चलिए थीटा की वैल्यू 45, तो यहाँ पर देखेंगे 5 एंड डिवाइडेड बाई सेक, 10 कोट सेक, सेक का कितना होता है रूट टू, और रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, रूट टू, और रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस में दे रखा है हमें, सॉरी प्लस में दे रखा है 2 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो 1 प्लस, अब देखो कॉट की वैल्यू 1 होती है तो 1 ही व्यक्त हो गई, प्लस 3 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई साइन 45, साइन 45 1 बाई रूट टू, रूट टू का स्क्वायर दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई 2 हो जाएगा। और कुछ भी है क्या, का संख्यात्मक मान इसे कैलकुलेट कर लो आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया 5/2, ये 1 और 1 कितना हो गया, 2 ही हो गया नीचे, तो 5 6 7 ये 2 है, ये भी 2 है, 8 9 10 कितना आ रहा है, 2 बाई, ओके देखते हैं जो भी है। तो यहाँ पर मैं इसे हटा के 5/2 तो ये हो गया, प्लस यहाँ पर देखेंगे तो 2/2, ये 2/2 हो गया। देखो यहाँ पर 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 काट दो, ये 1 हो गया भाई, ठीक है। इस 1 को यहीं पे चिपका दो चाहे अलग चिपका दो, एंड ये हो गया 3/2। ओके, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अभी 1 को शामिल मत करो, 2 और 2 2 ही हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 को 2 से भाग करेंगे, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपको जो सही उत्तर होगा वो 5 होगा, चाहे तो आप एलसीएम ले लो, 1 लगा के चिपका लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5, बिल्कुल सीधा साधा बेचारा सा क्वेश्चन है। चलिए भाई 115 हो गया, क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, 116 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमें दे रखा है, हमसे पूछा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। चलिए देखते हैं, सीधे वैल्यू पुट करनी है एंड देन उसके बाद आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। अभी हमने देखा था वैसे क्वेश्चन नंबर 1 या 2 था, 116 में देखिए हमें दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू हमें दे रखी है सी की वैल्यू रूट टू कॉस थीटा, यही दे रखा है, और हमसे पूछा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा यह हमसे पूछिए तो वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो ये तो 1 + 1 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी वैल्यू क्या है, सी वैल्यू हमारी ये है, तो सी का स्क्वायर करेंगे तो रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, देन इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है ना। मैंने क्या किया है, सिर्फ इतना किया है, यहाँ पे लिख दे दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर किया है, ओके। चलिए यहाँ पर देखेंगे रूट के अंदर कितना है, 2, अब देखो 2 कॉमन लेना चाहो कॉमन ले लो, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, 2 कॉमन अगर मैं ले लूंगा तो बचेगा कितना, 1 माइनस, ये 2 तो बाहर ही पहुंच गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देख लो भाई ऑप्शन में हो तो ठीक, नहीं तो कुछ और देखते हैं। अच्छा साइन की फॉर्म में भी है हमारे पास ऑप्शन, ओके। तो हम एक काम कर सकते हैं क्या, कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, ओके, एंड रूट के अंदर आ जाएगा भाई ये, अभी देखो पूरा लिखना चाहो पूरा लिख लो, रूट के अंदर 2 है एंड इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। तो एक बात बताओ, स्क्वायर से इसके ऊपर से छतरी हट जाएगी लेकिन इसके ऊपर लग जाएगी, तो रूट 2 के अंदर, रूट के अंदर 2 हो जाएगा और साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसके पास स्क्वायर है इसलिए ये बाहर आ गया, ये हमारा सही उत्तर होगा। ये तो कैलकुलेशन मैं बड़ी कर रहा हूँ, आप लोग जब सॉल्व करोगे तो आसानी से कर पाओ, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने ब्रेन में ये स्टेप बेकार है, ये स्टेप बेकार है, यहीं से आपको सीधे सीधे आंसर लिख देना है, ठीक है।
तो वही चीज़ है, लेकिन मेरा काम है सिखाने का, तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा भाई, ठीक है। यहाँ पर मैं करने नहीं आया, आपको सिखाने आया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे, थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, वन हंड्रेड सेवेंटी, ठीक है। 117 में दिया हुआ आर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, देखो आर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, एंड हमें दिया हुआ है आर कॉस थीटा इज इक्वल टू, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 3। ओके, हम क्या कर सकते हैं भाई, आर को नीचे ले आऊँ तो साइन थीटा यहाँ से इज इक्वल टू हमारा 1 बाई आर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा रूट 3 बाई आर हो जाएगा। अच्छा, साइन क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो मतलब परपेंडिकुलर हमारा 1 हो गया, हाइपोटेनस हमारा यहाँ से आर हो गया। यहाँ पर देखेंगे कॉस क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, यहाँ से भी हाइपोटेनस आ रहे हैं, एंड बेस कितना हो गया भाई, रूट 3 हो गया। अच्छा एक बात बताओ, क्या हाइपोटेनस आप निकाल सकते हो यहाँ से? हाँ बिल्कुल सर निकाल सकते हैं, क्योंकि h बराबर क्या हो जाएगा हमारा, वैसे तो h स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, h बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस निकाल रहे रूट के अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 1 एंड रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3, एंड रूट के अंदर कितने आ गए भाई 4, और रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, हाइपोटेनस आ गया हमारा 2। तो h की वैल्यू हमारी फाइनली निकल के आ गई 2। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, टेन थीटा हमसे पूछा है, ठीक है। तो हमें दे रखा है रूट 3, जो पूछा है रूट 3, ठीक है, एंड इसके बाद टेन थीटा। अच्छा टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, p अपॉन b होती है, p की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन रूट 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, रूट 3 बराबर मतलब रूट 3 हो जाएगा, p अपॉन b क्या होता है टेन थीटा इज इक्वल टू होता है p अपॉन b। तो परपेंडिकुलर हमारा 1 है, ठीक है, बेस हमारा कितना है रूट 3 है, रूट 3 रख दिया, एंड इसके बाद में प्लस 1 दे रखा है। तो देखो भाई रूट 3 से रूट 3 का 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो आपका जो सही उत्तर होगा वो 2 आ जाएगा, है ना, बिल्कुल सिंपल। हाइपोटेनस निकालने की वैसे यहाँ पर जरूरत नहीं थी h की, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या परपेंडिकुलर और बेस की जरूरत थी, r की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। हाइपोटेनस मतलब ये बराबर भी r के, इन केस अगर r की जरूरत पड़ती तो हम यहाँ से ले लेते। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 118 की ओर। क्वेश्चन नंबर 118 आपकी स्क्रीन पर है, ओके आ गया। चले भाई सबसे पहले पढ़िएगा और ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 118 में दिया हुआ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब 2 दिया हुआ है तो इन दोनों की वैल्यू 1 1, लेकिन सेक और टेन की वैल्यू हमारे पास 2 दे रखी है, लेकिन मैंने अच्छा सेक में दे रखा है, ओके सेक के लिए मैंने स्पेशली एक फॉर्मूला बताया था, पी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 पी कर दे हो जाएगा, देखो ट्राई करके यहीं पे बता दो। क्वेश्चन नंबर 118 118 हमें दिया हुआ है सेक थीटा प्लस में दिया हुआ है टेन थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 2, और जब भी कभी यहाँ से sec थीटा पूछे तो मैंने बताया था पी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 पी कर लेना है, तो यहाँ पे पी स्क्वायर मतलब ये, ठीक है, 2 2 जब 4 और 1 5 एंड 2 2 जब 4 5 बट्टे 4 या फिर 1 सही 1 बट्टे 4, 5 बट्टे 4 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा कितना हो जाएगा 5 बाई 4 आपका सही उत्तर होगा। ओके ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा फटाफट।
चलते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कॉट में दे रखा है, कॉट 1/10 लिख लेंगे। ओके, हो जाएगा आसानी से, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 119 देखिएगा। देखो, अगर सीक्वेंस वाइज से देख रहे हो तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अदरवाइज ऊपर से फ्लाइट मोड से जा रही होंगी, ठीक है। और दूसरी बात, अगर अब भी फ्लाइट मोड से जा रही हैं तो आपको फिर कोई नहीं सिखा सकता, ठीक है। चलिए, सीख सकते हो बिल्कुल, बहुत सारे टीचर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 119, 119 ध्यान से देखिएगा। 2/, सबसे पहली बात, हमारे पास जो कॉट दिया है, कॉट ए 1/10 ही लिख सकता हूँ, 1/10 ए लिख सकते हैं, एंड देन माइनस में दिया हुआ है 10a, ये हमें सॉल्व करना है। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10² a माइनस 1, तो 2/1 माइनस 10² a, ठीक है, 10² a, एंड डिवाइडेड में लिखा हुआ है 10a, ये वाला 10a आएगा ना यहाँ पे, तो 10a जो है ऊपर जाएगा यहाँ पे इसके पास, ठीक है। जब ये इसके पास जाएगा तो ये बताएगा 2 10a एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10² a, कहीं तो देखा है इसे, कहाँ देखा है थोड़ा सा याद करो, ध्यान से याद करो इसे, कहीं देखा है, ऑप्शन को थोड़ा सा गौर से देखो तो कहीं ना कहीं देखा होगा ये। देखो थोड़ा सा ऑप्शन देखो, 10 2a के बराबर होता है कि नहीं, किसके बराबर होगा ये, 10 2a के ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सिंपल। मैंने आपको पहले भी बताया था 10 2a का फॉर्मूला, ठीक है, नोट कीजिएगा फटाफट। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर, तो इसमें तो कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 120। हो 120, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 देखिए ध्यान से। टेन थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, टेन थीटा अपॉन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड हाइपोटेनस निकाल सकते हैं यहाँ पे, एंड वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, ये सर अब भी नहीं होता ठंडों के मौसम में। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 120 ट्राई कीजिए। वन ट्वेंटी में दिया हुआ है 10 थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, नीचे 1 मान सकता हूँ बिल्कुल, 2/1। 10 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, हाइपोटेनस आप निकाल सकते हो, एच बराबर रूट के अंदर कितना, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 1 5, हाइपोटेनस हमारी होगी 5, परपेंडिकुलर भी आ गया 1 भी आ गया, एंड देन हमसे पूछा है 8 sin थीटा, तो 8 sin किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे पी अपॉन एच, तो कितना हो जाएगा, 2/√5, स्क्वायर वगैरह तो नहीं है, ठीक है, √5 हो गया, एंड देन इसके बाद है प्लस 5 मल्टीप्लाई, इसके बाद में दिया हुआ कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या, बेस अपॉन, बेस कितना है मेरा 1 है, अपॉन में √5 हो जाएगा, हाइपोटेनस होता है ना। ओके, चलिए इसे सॉल्व करना चाहो, 16 16 ऊपर हो गया एंड 5 हो गया, ठीक है, 16 और 5 21 हो गया, एलसीएम हमारा √5 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा कितना, 8 दूनी 16 और 5 21, तो हम बोल सकते हैं 21/√5, दिखाई दे रहा है इतना। ओके, आगे की कहानी देखते हैं, नीचे क्या दे रखा है, क्वेश्चन बोला sin³θ, मतलब sin θ का क्यू, और साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यही तो है, इसका क्यू कर दो, ये sin θ ही तो है, तो इसका अगर मैं क्यू करूंगा 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एंड √5 का क्यू करेंगे तो 5√5 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कहीं कुछ और तो नहीं। ओके, आगे दिया हुआ है क्वेश्चन है 2 2 का मल्टीप्लाई कर दो, और हमसे पूछा है cos³θ, cos की वैल्यू 1/, यहाँ पर जो है जो इसके अकॉर्डिंग 1/√5
रूट फाइव, एंड इसका क्यू करेंगे तो वन ही रहने वाला है, एंड इसका क्यू करेंगे तो भाई यहाँ पर फाइव रूट फाइव हो जाएगा। एंड देन इसके बाद में हमें दिया हुआ प्लस थ्री मल्टीप्लाई, क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब वन बाई रूट फाइव हो जाएगा। ऊपर से चिपका दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उतना ही आने वाला है। ओके यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो गया एलसीएम, अगर मैं रूट फाइव, फाइव रूट फाइव लेना पड़ेगा, फाइव रूट फाइव ले लूँ तो फाइव रूट फाइव से फाइव रूट फाइव एक बचा, एक का मल्टीप्लाई आठ हो गया, प्लस यहाँ पर देखेंगे फाइव रूट फाइव एक, एक तो दो ही हो जाएगा, एंड देन प्लस रूट फाइव से मल्टी डिवाइड करेंगे, रूट फाइव हटेगा पाँच बचेगा, पाँच की पंद्रह हो जाएगा, तो पंद्रह और आठ हमारा हो गया तेईस, चौबीस पच्चीस, पच्चीस पच्चीस बट्टे में पाँच रूट पाँच है तो मैं पाँच से पचम पच्चीस, पाँच बट्टे में रूट पाँच हो गया, कहने का मतलब है ये जो लिखा हुआ है पाँच बट्टे में रूट पाँच आ जाएगा। ठीक है, नीचे सॉल्व कर दिया, ध्यान से देख लेना। ओके इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या होगा रूट पाँच से रूट पाँच हटेगा, इक्कीस बट्टे पाँच बचेगा, तो आंसर कहीं भी चिपका दो, इक्कीस बट्टे पाँच ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इक्कीस बट्टे पाँच ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, नोट कीजिएगा, है ना, बिल्कुल सिंपल, बताओ बिल्कुल आसान है, बिल्कुल जीरो लेवल है। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए बाकी ये क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी चलता हूँ, बाय, टेक केयर।